बारे दिगर भी बुलंतार सलावात तिलावत फरमाओ। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहि अलियिल अज़ीम। الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد الصلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियम वआदमु बैनल माउ वद्दीन सलावात वस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरे व खलीफते व इब्ने अम्मी व वारिसे इल्मिही ونصر دينه ومنفذ شريعته ومربج احكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن ابي طالب امير المؤمنين ولعنت الله على اعداء اهم ومعاندين ومبغضين وغوث بحقوقهم ومن جري فضائلهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين اما بعد فقد قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ان لا امر اول كلام الصلوات برادران ایمانی آباب اہل بیت انتہائی मोहतरम मुअज्ज़ज़ सामीन सरकारे अमीरुल मोमिनीन नाजल बलागा दे खुतबा नंबर 203 एक मकाम ते इरशाद फरमाए इन्ना ला उमरा उल कलाम करीम अल्लाह ने असा एले बैते अतहार नो कलाम और गुफ्तगु दी दुनिया दा सरदार बना के भेजे। बोलन दा ढंग गुफ्तगु दा अंदाज अगर कहीं सीखना होवे एले बैत दे कलाम दा मुताला करे। मुफ्ती साहब किबला ने दा तर्जमा किया है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं हम इकलीम में सुखन के फरमा रवा हैं, यानी अल्लाह ने गुफ्तगु दी दुनिया दा सुल्तान आले मोहम्मद नू बना के भेजे। सरकार अमीरुल मोमिनीन दा कलाम जेड़ा के नाजुल बलागा दी सूरत इच मौजूद है और इस वक्त एक किताब मेरे सामने भी है। आज तक तकरीबन इस किताब दियाँ 200 शुरुआत तारीर की गई मुख्तलिफ मजाहब और मसालिक नाल ताल्लुक रखने वाले लोग उलमाए अहले सुन्नत ने भी बहुत बड़ी तादाद नाजुल बलागा दी शरह तारीर की, जिन्हें जो एक शरह का नाम है शरह इब्ने अबिल हदीद। इस अहले सुन्नत आलम दीन ने आज तो तकरीबन 800 साल पहले अमीरुल मोमिनीन दे इस कलाम दी शरह 20 जिल्दां दी तारीफ की है और उन्होंने 20 जिल्दां दे तकरीबन जो नवा एडिशन होता शायद 10-11 हज़ार सफहात अमीरुल मोमिनीन आका दे कलाम दे मानी मफाहीम मिसदाक
लेकिन उस किताब के मुकदमे थी उस लिखे कहाँ मैं कहाँ अमीरुल मोमिनीन का कलाम, मेरी क्या जरूरत के मैं बयान करूँ कि अमीरुल मोमिनीन के कलाम का मकसद क्या है। और मेरे मोहतरम हैरत ही बात है, नाजुल बलागा दा खुतबा नंबर 218 सूरह अलहाक व मुत्तकासुर दी तफसीर। एक शख्स बैठे सूरत व तकासुर दी तिलावत करदा, अलहाक व मुत्तकासुर व हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अमीरुल मोमिनीन ओदे कोलो गुजरे, फरमाया फकत तिलावत कर रहे हैं या एदा मतलब और मफहूम भी जान दे। आखे लगा मौला तुसा बयान चा फरमाओ। सूरत तकासुर दी तफसीर च हुज्जत खुदा ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबा दे शरह इबन अबिल हदीर कसम उठा के आदे उकसिमु बिमन तुकसिमुल उमम कुल्लुहा बिही लकद करातु हाज़िहिल खुतबा मुंज़ु खमसीना सनतन इलल आन अक्सरा मिन अल्फ मर्रा। इस सुन्नी आलम दीन आदे मैनु अपने खालिक दी कसम, मैनु अपने कायनात दे खालिक दी कसम, मैं अपने जिंदगी दे आखरी 50 साल अमीरुल मोमिनीन दा एक खुतबा 1000 मरतबा तिलावत की। एक खुतबा अमीरुल मोमिनीन दा 1000 मरतबा वाले सुन्ना तालेम आदे मैं तिलावत कीता है हजरत है खुतबा। और अगले जुमले याद है मैं जद ही हजरत है कलाम पढ़े 1000 मरतबा जद ही पढ़े हर दफ़ा मैंने इन महसूस होए जो सामने नूरानी मिंबर ते तशरीफ फरमाए हसनैन दा बाबा, मैं सामने शागिर्द बन के बैठा, इन लगता है जो अलीम अमीरुल मोमिनीन मेरे नाल गल्लां पे करें दे और मैनु मुतनबे करके फरमा रहे हैं इबने अबिल हदीद हुण त समझ जा जो दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और मेरे बोतरा में इतना बुलंद और बाला कलाम अमीरुल मोमिनीन दा किसे अदीब को लोग कहे बंदे पुछया तेरी तहरीर और गुफ्तगू च बड़ी चाशनी है, बड़ा लुत्फ है, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, बड़ी फसात और बलागत है, इनी वजह क्या है। आखे लगा मैं अमीरुल मोमिनीन दे 70 खुतबे जुबानी याद कीते हैं, उन्हें खुतबे की बरकत है। अल्फाज अली दे हिन इस्तेमाल मैं करदा दोगां दे दिल च उतर दे वेंदा। बल्कि पिछले दिन एक सेमिनार आई लाहौर नाजुल बलागा कॉन्फ्रेंस और उस नाजुल बलागा कॉन्फ्रेंस दे मुंतज़िमे आला और इस मरकज़ अफकार इस्लामी दे बानी जिन्हें किताब शाया कराइए वो गुफ्तगू दे फरमा रहे हैं यूरोप दे किसी मुल्क दा ना नाम ले। आखन लगे यूरोप दी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, गलत बयानी ना हो जावे, मैंने मुल्क दा नाम इस वक्त याद नहीं, मैं उन्होंने को पूछ के कल अर्ज़ कर दे सा। वो फरमा रहे हैं यूरोप के एक ऐसी यूनिवर्सिटी है अंग्रेज़ा कायम की है, गैर मुसलमा कायम की है, जेरी लाइब्रेरी फकत एक किताब ते मुश्तमिल है और उस किताब का नाम है नाहजुल बलागा। वरना लाइब्रेरी ये हर मौजूद है कई 100 और कई 1000 किताबा होंगे, लेकिन आदि उस लाइब्रेरी का मौजू फकत यानी एक किताब तो मुश्तमिल मुराद है कि नाहजुल बलागा ते ही फकत किताबा, ये नहीं जो किताब एक किताबा सैकड़ों और हजारों हैं उस लाइब्रेरी के अंदर, मगर उन सारिया किताबों का मौजू नाजुल बलागा है। नाजुल बलागा दे मानी शुरुआत मफाहीम खुताबात मकतूबात रसायल, यानी सिवाय नाजुल बलागा दे उसके अंदर कोई और किताब मौजूद नहीं।
और उन्हें लोगों का मौका है अगर असा लोगों तक नाजुल बलागा पहुँचा लिया इस तो बड़ी खिदमत कोई नहीं। और यो इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली याद है फौका कलाम अल मखलूक व तहता कलाम अल खालिक अदे जेड़ा एक कलाम है मैं इस नतीजे ते पहुँचे अमीर उल मोमिनीन दे कलाम दे मुताला दे बाद मैं इस नतीजे ते पहुँचे अल्लाह दे कलाम दे बाद मखलूक दे कलाम तू अफसल है हसनैन दे बाबे दा कलाम। तुझे फरमाइए जनाब पर मेरे मोहतरम सवाल ये है कि अमीरुल मोमिनीन दा एक कलाम एक गैर शिया अहले सुन्नत आलिम हजार मरतबा एक खुतबा पढ़े अलीन वलीउल्लाह दा कायल नहीं खलीफत हो बिला फासल दा कायल नहीं हसनैन दे बाबे नू पहले नंबर ते नहीं चौथे नंबर ते मनन वाला मुसलमान वो आद मैं हजरत का एक खुतबा पढ़े हजार मरतबा मवालियाने हैदर करार ते सवाल है क्या असा नहजुल बलागा घर रखी भी है क्या मैं सारी जिंदगी नहजुल बलागा मेरे मुताला चो गुजरी होवे मैं देखी होवे। अच्छा और आसान कर देवा सामे इनकी बात ना करा मेंबर ते आवन वाले खुतबा वाइदीन शोहरा कसीदे खान रुबाई पढ़न वाला नज़म और नसर दी सूरत मजहब शिया बयान करन वाला कितने साहिबाने मेंबर हैं जिन्हों का अकीदा नहजुल बलागा के मुताबिक होवे जिन्हों का कौल नहजुल बलागा के मुतालिक होवे जिन्हों की लाइब्रेरी नहजुल बलागा मौजूद होवे जिन्हें खुद नहजुल बलागा पढ़िया होवे या किसी नू पढ़न का शौक दवाया होवे अगर मेंबर दे नहजुल बलागा मेंबर दे आमन वाले भी नहीं पढ़िया फिर इस तो बड़ी अली दी मजलूमियत क्या है। और मेरे जुमले नहीं डॉक्टर अली शरीयती भी लिख गए शहीद मुताहरी भी ये जुमला लिख गए वह दिन अली कल भी मजलूम हन अली आज भी मजलूम हैं अली जिंदगी भी मजलूम हन हसनैन दा बाबा दुनिया तो टुर वञण दे बाद भी मजलूम है अमीरुल मोमिनीन दी जिंदगी च अली दा कलाम सुनन वास्ते तैयार कोई ना अमीरुल मोमिनीन दे टुर वञण दे बाद अली दा कलाम पढ़न वास्ते तैयार कोई नहीं भावें शिया क्यों ना होवन। पर मेरे मोहतरम अगर मिंबर ते नाजुल बलागा होंदा अगर घर ही नाजुल बलागा दी तिलावत होंदी अगर तैं और मैं अकीदा तौहीद नाजुल बलागा तो हासिल कीता होंदा अगर तैं और मैं अजमत कुरान नाजुल बलागा तू पढ़ी होंदी अजले बेते अतहार दे मिंबर दे विलायत दे नाम दे शिरक बयान न होवे हा अज मिंबर ते आवन वाला ना ख्या जो अमीर उल मोमिनीन फरमेने शिक में मादरी तस्वीर बनावन वाला मैं अली हाँ बल्कि अज मिंबर ते आवन वाला ना आख्या जो कौन आखण वास्ते जुबान की जरूरत होंगी है ते अल्लाह जुबान रखदा नहीं ते कहीं आख है कौन आ अमीर उल मोमिनीन तो पुछते हैं मौला कौन केड़ी जात आख है हुज्जत खुदा आप फरमा रहे हैं उस खाले आख है जेड़ा बोलन वास्ते न लफ्जा का मोहताज न जुबान का मोहताज मेंबर ते तो ये आखा वेंदा ना जो कौन आखण वाली जुबान अमीरुल मोमिनीन दी जुबान है अल्लाह तो कौन आख नहीं सकता वह अजीब अजीब तावीला उसकी हलक की जरूरत जुबान की जरूरत होठां की जरूरत ताकि आवाज़ निकले तो अल्लाह तो जुबान ते होठ रखता नहीं सरकार अमीरुल मोमिनीन ने आख है कौन हो जा फयकून ते हर चीज़ हो गई ये उस बंदे आख है जै अमीरुल मोमिनीन का कलाम नहीं पढ़ा जै अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़ा हुज्जत खुदा फरमेने इरादे दा ना है दुनिया
जेड़ा कौन आखण वास्ते लफ्ज़ा दा ते ज़ुबान दा मोहताज होवे, जेड़ा मोहताज होवे ओ खालिक नहीं हो सकदा। हद्दा के कितना बेभाग हो के लोग मिंबर ते आ दें, जो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं खमर तो तीन था आदम बे अरबईन सबा, कि आदम दी मिट्टी गुन्नन वाला मैं अली हाँ, आदम दे खालिक जनाब अली हैं। खुदा जाने किस जाहिल ने जुमला बयान कीता और ए वत शिरक दा जुमला साडे मेंबरां दा हिस्सा बन गया। मैं पूरे ताकीक दे बाद जुमला कर रहा और मेरा चैलेंज है किसी ऐसे जुमला आखण वाले नो मकतबेले बेदी किसी किताब ये जुमला मौजूद नहीं, फकत एक किताब अहले सुन्नत की किताब ये जुमला मौजूद है, वो भी हदीस कुदसी के नाम नाल। अहले सुन्नत उलमा आदन कि अल्लाह फरमा रहे हदीस कुदसी अमीरुल मोमिनीन दा फरमान ना, अहले सुन्नत या दो किताब ये जुमला है खमर तो तीन आता आदम बे अरबईन सबा, कि आदम दी मिट्टी में चाली दिन गुद्धी, ये भी कहें खैर दा अकीदा है अली वाले दा अकीदा नहीं। इदे अपने महानी और मफाहीम इन मासूम को लो पुछा गए मौला आदम दी मिट्टी गुंदना, फरमाया हमद है उस खालिक दी जेड़ा खालक करन वास्ते ना हत्थां दा मोहताज ना आलात दा मोहताज ना बोलन वास्ते जुबान दा मोहताज, बल्कि छेवें आका ने फरमाया काफ और नून एक कौन भी तुहाडे आखण कान समझावण कान अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल कीते, वरना ओ जात कौन आखण दी भी मोहताज नहीं। जेड़ा आदम दा खालिक है उहो अली दा भी खालिक, जेड़ा अली दा खालिक है उहो आदम दा भी खालिक। अल्लाह दा कुरान कितने मकाम ते फरमा रहे अल्लाह खालिक कुल शैइन, हर चीज दा खालिक मैं अल्लाह। वजह चुके कलामे मासूम नहीं पढ़ा, वजह चुके असा ऐनुल्लाह जंबुल्लाह लिसानुल्लाह दिया इक्यास करके ऐसिया तावीला जड़िया कुरानो हदीस नाल टकरांदियां, ये असी कदी बयान न करिए हा जैसा अमीरुल मोमिनीन दे कलाम दा मुताला कीता। यकीन जानो मैं इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं समझदा, इंटरनेशनल लेवल दी एक शख्सियत नो जद इदारे दी तरफों ए नाजुल बलागा तोहफा पेश कीता गया, इस नाजुल बलागा दा पहला खुतबा तौहीद उन्हें अपने फेसबुक पेज ते चार किस्तें चलाया, आखन लगे अगर दुनिया फकत अली दा एक खुतबा पढ़ ले अकीदा तौहीद मजबूत होवे। गैर इकरार कर दें और इत मैं जुमला ए भी इबन अबिल हदीद मोतजली ने अमीरुल मोमिनीन ने एक मेरा ख्याल है अगर मेरा हाफसा इस्तेबा नहीं कर रहा 81 या 83 नंबर खुतबा है तौहीद दे, अमीरुल मोमिनीन ने उस खुतबे दे विच जदा मारफत है तौहीद बयान फरमाइए ना, वो दे आखिर दे इस अहले सुन्नत आलम एक जुमला तारीर किया, आख लगा वालम अन्न तौहीद वल अदला वल मबाहिस शरीफत अल इलाहिया मा उरिफत इल्ला मिन कलाम हाजर रजुल। अमीरुल मोमिनीन दे खुतबे दे बाद लिख दे मैनू कसम है अपने खालिक दी तौहीद आदल और अकीदा इलाही दे मुतालिक नजरिया मैनू समझ ही नहीं आया जब तक मैं अली दा ए खुतबा नहीं पढ़िया। और उसके बाद अगला जुमला काबिले तवज्जो और अजमत अमीरुल मोमिनीन दी याद है वजह क्या है, वह अगला जुमला दे व अन्न कलाम गैर ही मिन अकाबर सहाबते लम यतज़म्मन शयन मिन ज़ालिका असलन, अदे मैनू जितना दस्तियाब होए मैं नबी दे सहाबा दा कलाम पढ़े, मैं नबी दे सहाबा दे फरामीन पढ़ेन, मैं नबी दे सहाबा दे इरशादात पढ़ेन, मैं नबी दे सहाबा दे अकवाल पढ़ेन, अदेन मैं ऐसी तौहीद किसी और सहाबी दे कलाम च नज़र नहीं आई, बल्कि एक मकाम ते फरमाते किसी सहाबी 125 लाख सहाबा चो किसी सहाबी तौहीद दे मुतालिक
दो जुमले भी इंज नहीं आखे जिवें अली खुतबे इरशाद फरमाए। किसी सहाबी ने अकीदे तौहीद ते दो जुमले भी इंज कोई सहाबी ना आख सकिया जिवें अमीर उल मोमिनीन ने मारफत तौहीद। और फिर एदा नतीजा बयान कर दे आदे वला कानू यतसव्वरूनहु वलौ तसव्वरूहु लज़ाकरूहु। पदे मैं अहले सुन्नत आले मदीन इस बात का इकरार करदा अली दे इलावा अल्लाह दी मारफत इंज रखदे ही कोई ना कोई रखदा होवे हाथ लफ्ज़ इंज बयान करे हा। इस मारफत तौहीद दा हामिल फकत अमीरुल मोमिनीन आका। मेरे मोहतरम जरूरत इस बात की है अपनी आवन वाली नस्लों तक नाजुल बलागा पहुँचाओ, खुद नाजुल बलागा पढ़ो। जेड़ा बंदा इस्तेदाद और सलाहियत रख दे दो दो त्राए त्राए सत्रह रोजाना चंद आयात कुरान दिया तिलावत कर, चंद जुमले नाजुल बलागा दे तिलावत कर, चंद जुमले सईफ सजादिया दे तिलावत कर ताकि तेनों पता लगे जो मकतबेले बैदियाँ तालीमात क्या है। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने जिंदगी दे ढंग बयान फरमाए, सरकार अमीरुल मोमिनीन ने जिंदगी गुजारन दे कुछ उसूल बयान फरमाए। और मेरे मोहतरम ये एजाज है मासूम दे कलाम दा जद ही हजरत है कलाम पढ़ो इंज लगता है मेरे मौला मेरे नाल गुफ्तगू कर रहे। जिवें कुरान 1400 साल पहले नाजिल होए आज भी कोई पढ़े या क्यामत तक पढ़सी इंज लगसी जिवें कुरान मेरे जमाने की बात कर रहे। इसी तरह जद किसी मासूम का कलाम पढ़ो इंज लगता है जो मासूम मेरे जमाने की बात कर। इस हजरत खत है गालबंद मकतूब नंबर 53 मालिक अश्तर के नाम खत लिखा। मेरे मोहतरम में इतना बड़ा कलाम है आज भी अकवाम मुतहिदा दी बिल्डिंग हजरत का एक खत भी तारीर है जुमले भी तारीर। कूफी अनान ने एक मीटिंग जनरल असम्बली अकवाम मुतहिदा हजरत का खत पेश किया। और तेरे मुल्क का बहुत बड़ा जनरल जनरल मूसा खान हजारा वाले क्वेटा वाले इन्हों की वसीयत आई जो मैंने मशहद मुकदस दफन कर। जनरल मूसा खान इस खत नो आईने फौज पाकिस्तान का हिस्सा बना के गए। मैं तेरे शहर का दोस्त है साड़ा भाई उन्होंने जरिए को हज़ार खतूत असा मुख्तलिफ इदारों के आफिसर तक पहुँचाए कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने सहाबी नो हकूमत के उसूल बयान फरमाए कि हकूमत का तरीका क्या है। यकीन जानो चारों जिले चू लोग राबता किया सानू होर खतूत पहुँचाओ ताकि असा इस निसाब का हिस्सा बनाइए। कायनात के किसे हुक्मरान ऐसे उसूल बयान नहीं किते जैसे हुसूल अमीरुल मोमिनीन बयान फरमाते गए। लेकिन जिन्हां दी मीरास है जिन्हां दी अपनी किताब है जैसे मासूम का कलाम आज अफसाने हैं कहानियां हैं सदरी गुफ्तगू है अपने उस्ताद दे जुमले साल हा साल तो नकल हो रहे। अगर मिंबर ते नहीं तो अमीरुल मोमिनीन दा कलाम कोई नहीं, अगर मिंबर ते नहीं तो कुरान नहीं नाजुल बलागा नहीं इल्ला माशा अल्लाह। खुदा जिन्हें तौफीक अता की वो पढ़ते भी हैं सुनेंदे भी हैं सुनते भी हैं लेकिन तेरे मजहब दे हकायक उस वक्त तक पता न लग सी जब तक कलाम मासूम का मुताला न किया जाए। इसे इबन अबिल हदीम ने अमीरुल मोमिनीन दे 998 जुमले इस शरह दे आखिर 20वीं जिल्द की तारीर कीते। मैं हैरान हो गया हजरत दे जुमले पढ़ के जिसे मेरे आका दे जिंदगी गुजारन दे ढंग बयान फरमाए। मेरा दिल चाहता है उन्होंने चंद जुमले जनाब की खिदमत अर्ज करा अगर जेन मुतवज्जन तो बुलंतर सलावात तिलावत फरमाए। मेरे मोहतरम इंज लगसी जो इमाम मेरे जमाने की बात कर ले। पहले उसूल इमाम ने किसी महफल च बाण का ढंग बयान फरमाए।
दिहाड़ी कई दफ़ा बंदा खुशी गमी वलीमा मीटिंग मरना परना सरकारी इज्तिमा सियासी इज्तिमा मजहबी इज्तिमा बंद कई दफ़ा मुख्तलिफ महफिलें बहना पौंदे हुज्जत खुदा ने महफिल बहन का एक उसूल बयान फरमाया तोड़े मेरे आका फरमेंदे इयाका व सदरिल मजलिस हुज्जत खुदा फरमेंदे अगर कई महफिल बहना पवी बैठ उथे जिथू उठाए कोई ना कोई तवज्जो फरमाइए जनाब ऐ बंदे अन शौक होंदे वलीमे दूले नाल बावा बंदे अन शौक होंदे मीटेंगे कमिश्नर साहब नाल डीसी साहब नाल मेन सीट ते मेंबर ते बावा बंदे अन शौक होंदे मेहमाने खसूसी नाल बावा नतीजा क्या निकले एक लाजा बहरे अगले लगे आंदे हाजी साहब जरा जगह छुड़े आए को मुअज्ज़ज़ मेहमान आ गए नानो बाहवणे फरमाया तेरी तौहीन ओसी बैठ उथे जिथू उठाए कोई ना और मेरे मोहतरम सामीन दूसरा मेरे आका ने फरमाया कदा कहीं हुक्मरान नाल बैठना पवी कदा कहीं सहबे इक्तेदार नाल बैठना पवी हाकिम और सुल्तान कोल बांधिया फरमाया अपने और उसके दरमियान एक बंदे की जगह खाली छोड़ के बैठा कर कंधे नाल कंधा ना मिला बल्कि वडेरड़े बंदे नाल बांधिया दरमियान की जगह खाली छोड़ वजह भी इमाम ने बयान फरमाई फरमाया हो सकता है लादे बाद उत्थे कोई इयो जिहा बंदा आ जाए जेड़ा सुल्तान ते हाकिम नू तेरे तो ज्यादा प्यारा ते मोहतरम होवे फरमाया उस तो बिठावन कारण तेनू ना उठावना पवे ओ भी बैठ जाए तेरी इज्जत भी महफूज रह जाए फरमाया अली वाला इज्जतदार होंदे अपनी इज्जत दी आप हिफाजत कर महफिल दा उसूल दूसरा मेरे आका ने फरमाया इदा अरादन तो सादिक राजोलन जदा कहें बंदे नाल रिश्तेदारी कायम करना चाहे दोस्ती करना चाहे कें बंदे नाल रल के कोई सफर कोई भजवाली कोई कारोबार कोई रिश्ता कायम करना चाहना है फरमाया पहले ओदा इम्तिहान ले पहले उन्हों परेख ले जो रिश्ते दे काबिल ही है या नहीं दोस्ती दे काबिल है या नहीं सज्जन बनावन दे लायक है या नहीं इस वास्ते जो बंदे वेखण दे कुछ होर आंदे जाहिर कुछ और आंदे बातें कुछ और आंदे नेड़े लग्या पता लगदे फरमाया चार कसवटियां पहले बंदे दा इम्तिहान ले जायजा ले वत सजन बना बोला केड़े चार तरीके पहला फरमाया फंजोर मन अदुवो हु पहला तरीका है वेख ओदा दुश्मन कौन है गल बड़ी जरा तवज्जो तलब है बंदे नु बनावणे सजण फरमाया पहले पता कर ओदा दुश्मन कौन है मतलब दुश्मन दे जरिए बंदे दी किवें पहचान होसी हुण बात दा लुत्फा सी हुज्जत खुदा फरमाने ने वेख ओदा दुश्मन कौन है जे दुश्मन कमीने ता बंदा शरीफ है सजण बना कोई तवज्जो फरमाइए जनाब ने अगर उदे दुश्मन कमीने लोग हैं बेदीन लोग हैं फासे को फाजिर उदे दुश्मन हैं इदा मतलब है बंदा शरीफ है जाया ना कर सजन बना दूसरा मेरे आका फरमाने जे उदे दुश्मन शरीफ लोग हैं ता बंदा कमीना है तू सजन बना के करे से फरमाया पहला बंदे नो वेखणो वे उदे दुश्मन वेखो और इत एक होर जुमला भी मैं अमीर उल मोमिनीन दा आखा जा आ बंदे बड़े परेशान होने कोई मुखालफत करे कोई बंदे दे खिलाफ गल करे मुखालिफ होवे हर बंदे दी कोशिश होंदी है भाई सारी कायनात मेरे ते राजी होवे मेरे खिलाफ कोई ना बोले अमीर उल मोमिनीन ने एक पहचान दसी है फरमाया जंदा दुश्मन कोई ना होवे ओ मुनाफिक होंदा है कोई तवज्जो फरमाइए जनाब ने हर बंदे नू राजी रख दे मुनाफकत करके खरा होसी ता दुश्मन होसेन हक बयान करे सी ता मुखालफत होसी इस वास्ते मेरे आका फरमाने दुश्मनी तू ना घबराया कर जंदा दुश्मन कोई ना होवे ओ मुनाफिक होंदे
हक वाले दी लोग मुखालफत करें दे रहे। इस वास्ते फरमाया बंदे दा पहला पहचान दा तरीका वेखो दा दुश्मन कौन। दूसरा मासूम ने फरमाया उदे नाल रल के सफर कर, असफर मीज़ान उल अखलाक। सफर बंदे दे अखलाक दा पता लग, सफर बंदे दा नखेड़ा कर छोड़ेंदा है। अच्छा देखो भाई हज और ज़ियारत तो कोई मुकद्दस सफर है? मेरा ख्याल है जितना सवार लड़ दे ते जितना हाजी लड़ दे असा तो कितने सफर वेखे है। इतों बड़े शौक से मुहब्बत नाल वेंदे हटदे एक दूए नाल बोलेंदे ही नहीं। हिन मोमिन हिन शिया सफर ही मुकद्दस है। वजह क्या है? सफर कुवत बर्दाश्त। फरमाया सफर पता लगसी जज्बात ते कंट्रोल कितना से। हाँ असा तो वेदे हैं हज ते यकीन जानो जदा वंजिए हफ्ता हफ्ता बंदे दे कमरे सैट करें लग वेंदे वो जेड़ा होंदे एक आदे एसी चलाओ दुआ दे न चलाओ एक आदे गर्मी है दुआ दे सर्दी है। फरमाया सफर बंदे दा पता लगसी पहले बंदे नाल सफर कर फिर पता लगसी जो दी हकीकत क्या। तो जो बैठे हो तो तीसरा तरीका ते हर बंदा मेरी गल समझे सी हुज्जत खुदा फरमे ने तीसरा बंदे की पहचान का तरीका है ओदे नाल रल के खाना खा। दस्तरखान चंगिया चंगिया का नखेड़ा कर छोड़ेंदे। मैं इतने जुमला तो रहना बिरादर बुजुर्ग मौलाना आशिक हुसैन मिस्कीन साहब का खुदा उन्होंने कलम ही तासीर पैदा करे और मजीद उन्होंने सेहत और तूले उम्र अता करे। उन्हें शहीद कायदे जमाने मुल्तान एक मीटिंग उन्हें जुमला आखाई पेश नमाजा की अदालत के बारे गल हुई भाई आदिल होना चाहिए पेश नमाज उत्थे उन्हें जुमला आख्या साई सौखा तरीका है कहीं अदालत वेखनी होवे ना। कायदे शहीद बड़े हसे हैं बड़े घट मुस्कराते हैं कायदे शहीद लेकिन कैका मार के हसे चशमदीद गवाह देने इस जुमले ते आखे लगा जी कहीं अदालत वेखनी होवे ना दस्तरखान ते डोंगा पहले ओदे अगे रखो पख लग वे सी सालन वाली डिश ओदे अगे रखो अपने पेट ते हाथ मारे तो बंदा कमीना है। दस्तरखान ते बैठे हुए चार शरीफा का हया करे बंदा मुखले से सजन बना। जाया न कर होर सादा अल्फाज़े जगर मासूम दा जुमला पहुंचाई जेड़ा तेरी खातिर गोश्त दियां चार बोटियां नहीं छोड़ सकिया वो औखे वेले जान जोखी कुर्बान करे सी। हुज्जत खुदा फरमाए दस्तरखान बंदे दा नखेड़ा करें बंदे की पहचान करनी हो रल के खाना खाओ। चौथा तुहाड़े और मेरे आका ने फरमाए उहदे नाल मशवरा करो बल्कि मशवरे तो सज्जन दुश्मन दोहां दा फरमाए। फरमाया मशवरा कर सज्जन की सजड़े आई दा ते दुश्मन की दुश्मनी का पता लग वे सी। मौला किवें फरमाया उहदे कोल कोई सलाह ले दुनिया व आखरत की भलाई का मशवरा देवी बंदा मुखलिस है भावें दुश्मन क्यों ना होवे। दुनिया व आखरत के घाटे का मशवरा देवी बंदा कमीना है भावें कोल बहन आला क्यों ना होवे। फरमाया बंदे की सलाह ते मशवरा बंदे का बातिन दसा छोड़े बंदे का जमीर सामने आ वेंदे जो इसकी हकीकत क्या है। कोई गल नहीं समझ आई है जनाब तो हूँ मैं अगर सारे जुमले तो शायद वक्त चला वैसी मैं फकत दो और जुमले जनाब की खिदमत चार्ज करना और फिर चंद जुमले जिक्र इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कुछ गुफ्तगू कल जनाब की खिदमत चार्ज कर सा। हुज्जत खुदा तोड़े और मेरे आका ने एक जुमला फरमाया फरमाया लोग बह के सजना का गिला ना किया कर। जरा गल गौर नाल सुन सो गैरा च बह के सजना का गिला ना कर। और इतने मैं एक जुमला आदा भाई साड़ी तो आदत बन गई यकीन जानो है जे बिला वास्ते दा वैर
बने बह के आख्या साई होया भेरा पर गल का ही नहीं, साई होया सजन निभदी नहीं, औखे सौखे वेले कम आवे उम्मीद कोई नहीं। हुण अमीरुल मोमिनीन दा जुमला तव्हांजे तवजो च बैठियो, हसदैन दा बाबा फरमाईंदा आहिनि, जेस काबिल नहीं त सजण न बणा। जे औखे सौखे वेले कम ना उड़वे उस बेफैज़े संगी नालो बेहतर यार अकेले। फरमाया अगर इस काबिल नहीं तो सजण बणा, सजण सजण न बणा। जे सजण बणाए तो बंदे खामियां होंदियां, बंदे नक्स होंदे, हाय मासूम कोई नहीं, बंदे कमजोरियां होंदियां, कोई दिल का कमजोर, कोई जेब का कमजोर, कोई अकल का कमजोर। फरमाया वा सजणा नू बर्दाश्त कर, सजणा दे ऐबा ते परदे पा, गैरां च बह के सजणा दा गिला ना कीता कर। मौला वजा हुज्जत खुदा फरमाइंदे सजण इन होंदे जिवें नियाम च मौजूद तलवार, सजण सजणा दा हथियार होंदे। इतने मैं एक मिसाल अर्ज करदा, बई जिवें एक बंदे दे घर गन होवे, रिवालवर होवे, कलाशन होवे, ते मुखालिफ नूं पता होवे जो मौरी साहब नूं तां चलावणी नहीं आंदी, कारतूस ही कोई नहीं है, चलण दे काबिल ही नहीं है, बस वो बिला झिझक आवे सी, हुण गल दी समझ आ सी। फरमाया सजण सजणा दा हथियार होंदे, सजण सजणा दी इज्जत होंदे, सजण बंदिया दा हथियार होंदे। गैरां च बह के सजणा दा गिला करी वे शरीकां दे झाके लै वेंदे। फरमाया मुखालिफ मजबूत होवे सी, इस वास्ते सजण दी हिफाजत कर, सजण दा गिला ना कर, सजण दे ऐबा ते परदे पा। और फिर हुज्जत खुदा ने एक जुमला फरमाया, बस आज दी गुफ्तगू दा आखिरी जुमला। तोड़े और मेरे आका ने फरमाया, अपने तू वड्डे बंदे नाल रल के सफर न करो, अपने जय दे हम सफर बनो। ऐ बंदे शौक आउंदा है वडेरे बंदे नाल, नवाबा नाल, नामवर बंदे नाल टुरन दा, मिनिस्टर, सियासी बंदा, नामवर खतीब, वाइज, जाकिर, नामवर डेरेदार, दौलतमंद, ताजिर, वड्डियां बंदियां नाल टुरन दे शौक होंदे। हुज्जत दे खुदा फरमाया ना, सफर करनी अपने जैसा बंदा साथी बना, अपने बराबर दा बंदा। फरमाया वड्डियां बंदियां नाल रल के टुरन दे त्राए घाटे होंदे, नवाबा नाल ते अमीरा नाल टुरन दे त्राए नुकसान होंदे। जे गल समझ आ गई इंज लगसी जो मेरे बारे इमाम आख रहे, हर बंदा ये महसूस करे सी। फरमाया वड्या बंदिया नाल टुरन दे त्राए नुकसान होंदे केड़े? फरमाया पहला नुकसान है जे ओदे बराबर खर्च करे से तो फकीर होवे से। जेड़ा खाना ते 50-100 च खावणे वो सरदार साहब 1000 च खासे, जेड़ा काम ते 1000 च करना है तू इतने अड्डे ते चिंग ची ते अपड़ वैसे 20 रुपए दे के नवाब साहब अक्सर टैक्सी मंगा। तो जो फरमाइए ना जनाब, फरमाया वड्या बंदिया नाल टुरन दा पहला नुकसान उन्होंने बराबर खर्च करे से फकीर होवे से। फरमाया जेडे खलूस नाल अपनी जेब ही जूस ते खर्च करे से खुशामद समझे सी। तो जाक्सो खान साहब इन किबला साहब इन इलाके का सरदार है, हाँ मखदूम साहब इन अज का खाना मैं खवैना, अज दिन का खर्चा मेरे दे में आया, तू खलूस नाल खवा रहे, वो अक्सी मेरी नामवरी नो सलाम है, मेरी दौलत नो सलाम है, मेरी सरदारी नो सलाम है। पहला फरमाया उदे बराबर खर्च करे से फकीर होवे से, दूसरा घाटा अपनी जेब ही चूस ते खर्च करे से खुशामद समझे सी। फरमाया जे चार आने तेरे ते ला बैठा सारी जिंदगी एहसान गिणेंदा रासी। इस वास्ते फरमाया टुर ओदे नाल, तू खर्च करे तो तेरा एहसान समझे, ये तेरे ते खर्च करे तेरा हक समझे। इतना ही जुमला एक होर याद आ गया अर्ज करा, फरमाया कमीने बंदे कोल बैठे ही ना कर, जरा तवज्जो फरमाइसो, कमीने बंदे कोल बैठे ही ना कर। जुमला जरा औखा है, मैं सादा अल्फाज अर्ज करे सा। फरमाया अव्वल तो तय ओदे शर तू बचना कोई नहीं, जे बच गए हो तो एहसान गिणेंदा रासी, मसलन आधा रासी वेख लो जी असा वत्त तो कुछ नहीं आख्या,
ਖਰਦੇ ਹਾਸੇ ਤੈਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਮੀਨੇ ਕੋਲ ਬਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਮੁੱਦਤ ਲੰਬੀ ਬਾਂਧਦਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੇ, ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸੀ, ਨਾ ਕਮੀਨੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੂਲਤ ਐਨ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬਚੇ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੂੰ ਬਚੇ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਤੂੰ ਬਚੇ, ਜਦਾਂ ਫਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹੂਲਤ ਉਲ ਕਰੀਮ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਤੂੰ ਬਚੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ, ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਕਤਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੂੰ ਬਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਉਥਾਈ ਖੜੀ ਏ, ਫਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਹੂਲਤ ਉਲ ਕਰੀਮ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਚ ਜਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੂਲਤ ਉਲ ਲਹੀਮ ਇਜ਼ਾ ਸ਼ਾਬ ਆ, ਕਮੀਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਦਾ ਰੱਜ ਬਣਜੇ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆ। ਨੌ ਦੌਲਤੀ ਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਗਾਜ਼ਬਾ ਅਲੈਕਾ ਅਲਕਰੀਮ ਫਅਲਿਨ ਲਹੁਲ ਕਲਾਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿੜ ਚੜ੍ਹ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਆ ਵੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਵਾਇਦਾ ਗਾਜ਼ਬ ਅਲੈਕਾ ਲਹੀਮ ਫਖੁਜ਼ਿਲ ਅਸਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੋਟੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਮੀਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖੇ ਸੇ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਨਗੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਵੈਂਦੇ, ਕਮੀਨੇ 'ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ ਫਿਰਾਉਨ ਬਣ ਵੈਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਖੁਦਾ ਰਾ ਕਲਾਮ ਮਾਸੂਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਨਾਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਔਰ ਹਦੀਆ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਨਾਜੁਲ ਬਲਾਗਾ, ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ, ਸਹੀਫੇ ਸਜਾਦੀਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਜਤਹਿਦੀ ਤੌਜ਼ੀ, ਕਲਾਮ ਮਾਸੂਮ, ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਹੈ, 14 ਦੀ ਸੀਰਤ ਕਿਆ ਹੈ, 14 ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਅਜ਼ਾਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੂਫਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ, ਦੂਜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ। ਕੂਫਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ 19 ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ 10 ਮੁਹਰਮ। ਸ਼ਰੀਫੋ ਅਜ਼ਾਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹਨ, ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਅਜ਼ੀਮ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਬੜੇ। ਕੂਫਾ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਲੀ ਹਾ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਲੀ ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕੂਫਾ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮੌਲਾ, ਜਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਓ, ਸੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ,
ਜਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਫੜੀਏ ਤਰਾਏ ਦੇ ਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਤੱਸਾ ਹਾ ਜਦਾ ਮਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਏ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀਏ ਸਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੁਅਜ਼ਿਨ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਗੇੜ ਨਾਲ ਤਯੰਮੁਮ ਕੀਤੇ ਮਲਾ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀਏ ਗੁਲਦਸਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹਾ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀਏ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਗੇੜ ਨਾਲ ਮੈਦਾ ਮਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਏ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਜਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਹ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਆਈ ਵਣ ਮਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੀ ਮੈਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੇ ਕੂਫਾ ਹੁਸੈਨ ਪੜੀਏ ਕਰਬਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਜ਼ੀਮ ਆਏ ਸਜਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਬੜੇ ਮੈਦਾ ਮੌਲਾ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਜਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇਵਿਆਂ 'ਚ ਨੇਵੇ ਹਨ ਤੀਰਾਂ 'ਚ ਤੀਰ ਹਨ ਏਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਆਲੀਆ ਦਾ ਵੀਰ ਸੱਜੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸੱਜੇ ਮੈਦਾ ਮਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਏ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਣਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਜਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਦੇ ਭੈਣ ਖੜੀ ਆਈ ਦੋਨੋਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਮੌਰ ਇਹਨੇ ਛੁੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਆਦਾ ਮੈਦਾ ਮਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਏ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਰੱਖੇ ਆਪ ਹਾ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹਾ ਜਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹਾ ਚਾਹਿਆ ਕਾਤਿਲ ਹਾ ਏਡੇ ਓਪਰੇ ਰੰਗ ਚਾਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਵਣ ਦਾ ਦਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਛੈਨੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਕਸਾ ਮੌਲਾ ਹੁਣੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਔਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੌਖੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮਸਤੂਰ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਕਦਾ ਪੜੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬ ਬਿਰਾ ਦਾ ਸਜਾ ਦੀ ਬਚਾਏ ਯਤੀਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਧ ਪੜੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਆਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਧੀਆ ਮਸਲਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਲੋਟਾਈ ਖੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਏ ਭਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾ ਆਦਾਰੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਤ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੌਖੀ ਸ਼ਰਾਫਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਜਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਪੜੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਹਾਈ ਜਦਾ ਔਖੀ ਆਈ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਹਰੇ ਲੈ ਪੜੀਏ ਚਿੱਟਾ ਡੀਆ ਬੇਰਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਵੇਖਣ ਲਿਆ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਗੇਰ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾਵੇ
अजरुकुम अल्लाह सिवाय गमे हुसैन दे कोई गम ना वेखो। बस आखरी दो वेण दहाद मैं आधा यारां दी नमाज वादी सौखी आई। ये जुमले मेरे नहीं मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक साहब किबला फरमाते हैं औखी है नमाज जड़ी उठती कण ते पड़ी औखियां है नमाज जड़िया शाम दे दरवाजे ते पड़ी अलामत की शाह साहब किबला पे पढ़ते हैं औखी आई नमाज जड़ी शाम च पढ़ी है आदि आई सजाद मैनू सहारा दे मैं नमाज पढ़ती हूँ बात पसे करदा ना तयम्मम वास्ते अली दीदी अपनी पहचानी एक दीवार ते रखी है जदा जमीन ते बैठी है सैयद सजाद वहन बुलंद होए ना हाय काश मैनू मा